नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएचओ की क्लासेस, फ्री क्लासेस यूट्यूब पर। और आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा। बेसिकली हम यहाँ पे जानेंगे सिलेबस क्या है, कैसा एग्जाम पैटर्न है और कैसे आप नियमित टाइम में बहुत ही अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये जो लेक्चर होगा वो बायलिंगुअल होगा, तो ध्यान दीजिए आप, जहाँ पे हिंदी में बताना होगा वहां पे मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और बेसिकली यहाँ पर इंग्लिश में लिखा होगा और जो वार्तालाप होगा वो मैं हिंदी में करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर देना है, क्योंकि जो हर वीडियो का पीडीएफ आपको यहीं जाके मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम डाउनलोड करिए और यहाँ पे आपको इस तरीके से सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे सर्च मार सकते हैं एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, आपको चैनल मिल जाएगा और आप इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। तो पहला बेसिकली हम ये काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ कि कैसा क्या होगा। पहला चरण में आपको 80 प्लस 40 का रेशियो में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 आपका जनरल स्टडी, जो कि यहाँ पे सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, और 80 क्वेश्चन रहेंगे एग्रीकल्चर पार्ट। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो हम ये कैसे कवर करेंगे। जनरल स्टडीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। और एग्रीकल्चर पार्ट के लिए हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही ये जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा जनरल स्टडीज का, उसके बाद एग्रीकल्चर की जो क्लासेस हैं वो चलाई जाएंगी मल्टीपल चॉइस वाली, जिसमें कि आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं और कैसे उनको आंसर करना है, एलिमिनेशन मेथड, वो सब आपको जानकारी दी जाएगी एग्रीकल्चर पार्ट में, जो कि एमसीक्यू सीरीज चलाई जाएंगी। ओवर लगभग उसमें 1000 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वो यहाँ पर जरूर देखिएगा। तो अभी बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज में सिलेबस क्या है ये आपके सामने है, मैं आपको एक बार इसको मिटा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल साइंस पूछा गया है, हाई स्कूल स्टैंडर्ड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स ट्रेड, इंडियन उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, करंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट, लॉजिक रीजनिंग बेस्ड ऑन जनरल इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग, सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। तो ये है सिलेबस आपका इंग्लिश में, और जो हिंदी भाई बहन है हमारे साथ उनके लिए ये आपका सिलेबस है हिंदी में, ये भी आपके लिए यहाँ पे करा गया। तो अगर मैं पिछले साल का जो पेपर है अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में यहाँ पर है, उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं और एनालाइज करूं तो बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारत का इतिहास, तो मोर और लेस जो इतिहास है जहां से क्वेश्चन बना है वो है यूपी का। तो बेसिक अगर मैं बोलूं तो यूपी का आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कि कैसे, कब बना, कितनी डिस्ट्रिक्ट है, सेंसस क्या कहता है 2011 का यूपी के बारे में, कितना परसेंट क्या है, ये सब आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो 2011 के बाद जो सेंसस आएगा वो मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आएगा, तो वो हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम है वो लगभग मई जून में होगा। तो आपको ये देखना है कि 2011 के अनुसार ही यूपी का पूछा जाएगा। पिछली बार के क्वेश्चन अगर मैं बोलूं, वैसे मैंने वीडियो बनाई है पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पूछा गया है। यूपी का सिंपली पूछा गया था कि सेंसस के अनुसार जनसंख्या क्या थी और मेल पॉपुलेशन क्या थी, फीमेल क्या पॉपुलेशन थी। तो आप देख सकते हैं सेंसस के एक यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ से ही आपको तीन क्वेश्चन मिल गए और आपको ये सीधे सीधे 3 मार्क्स दिला देगा। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर तैयारी करनी है कि शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए आपका सिलेबस, जो कि आपका पूरा हो जाए। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर जो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मैप। तो मैप में इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश, जहाँ पे मैं लाइन मार रहा हूँ, तो ये है पूरी एक बाउंड्री उत्तर प्रदेश की। तो अगर यहाँ पर सीधा सीधा सिंपल सा जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बाउंड्री मैंने खींची गई है रेड में, वो आप देख सकते हैं किन किन राज्यों से टच होती है। तो पहला है आपका उत्तराखंड, ये हो गया आपका, नेक्स्ट है आपका बिहार, देन आपका झारखंड, देन आपका छत्तीसगढ़, देन आपका मध्य प्रदेश, देन आपका राजस्थान, देन आपका हरियाणा, देन आपका हिमाचल प्रदेश और आपका एक दिल्ली। तो टोटल जो है
नाइन स्टेट के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। याद रखिए ये जो नाइन स्टेट हैं वो इंडिया के हैं, और अगर इंटरनेशनल पूछा जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ शेयर करता है? नेपाल के साथ, ओनली वन, ये है इंटरनेशनल। तो अंतरराष्ट्रीय नेपाल हो गया, और राष्ट्रीय में जो स्टेट है, राज्य है, उसमें नाइन स्टेट। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्या बोला जाएगा कि उत्तर प्रदेश यहाँ पर साउथ में किस राज्य के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो साउथ बोला है ये इस तरीके से, साउथ में आपका मध्य प्रदेश भी आ सकता है और छत्तीसगढ़ भी आ सकता है। तो अब ये आपको ऑप्शन के साथ देखना है कि कौन सा टिक मारा जाए। दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएंगे, एक ही ऑप्शन आएगा, या तो मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, या फिर आ सकता है ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है तो बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं, अब चलते हैं दूसरे मैप पे। ये है आपका उत्तर प्रदेश का मैप। तो इन दोनों मैप को या तो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर अपने माइंड में मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक है कि नाइन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है और एक इंटरनेशनल के साथ, नेपाल के साथ। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये पूरा मैप में लिखा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर, ये जो डिनोट कर रहा है इस तरीके से नेपाल के साथ है, ये स्टेट की बॉर्डर, और जो स्टेट की कैपिटल है बहुत आसान है, लखनऊ आपकी है, तो लखनऊ आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा है, ये है। तो ये सारी चीजें हैं ये देख रखे हैं। अब बेसिकली हम देख लेते हैं कि यूपी फॉर्म्ड कब हुआ, ये राज्य बना कब। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्या पता आ सकता है, तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगी। 1 अप्रैल 1937 में, 1 अप्रैल 1937 में, और जो कैपिटल है वो मैंने अभी आपको बता दिया है, लखनऊ है, और गवर्नर आपके राम नाईक, चीफ मिनिस्टर आपके हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। और अगर मैं इसके बारे में बोलूं कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी 75। ये सारी जो चीजें हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। तो अभी क्या, अभी इसे ज्वाइन करिए। सिटीज एंड टाउन्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपकी 915। तो 75 आपकी डिस्ट्रिक्ट हो गई और सिटीज एंड टाउन्स हो गए आपके 915। तो ये मैप को आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए कि कौन सी स्टेट क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे लोकेशन और लैंडफॉर्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भूगोल इसका, जो उत्तर प्रदेश है वो सिचुएटेड है आपके 23 डिग्री 52 नॉर्थ में और 31 डिग्री 28 एंड लैटिट्यूड में। अब ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो अक्षांश और देशांतर। तो ये है आपका अर्थ। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको बोला जाता है आपका लॉन्गिट्यूड, और जो लेटीवी लाइन है, लेटीवी लैटिट्यूड बना है लैटी से, तो लैटी को आप कह सकते हैं कि लेटीवी, लेटीवी जो लाइन है वो आ जाएगा आपका लैटिट्यूड। तो अगर ऊपर ऊपर से देखें हम अर्थ में, तो इसको बोला जाता है हर किसी का, हर राज्य का एक अपन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एक मार्जिन है, उसी को यहाँ पे बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में ये क्या है 23 52 और 31 28 लैटिट्यूड हो गया, और लॉन्गिट्यूड है आपका 77 3 और 84 39। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेशनल बाउंड्रीज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाइन स्टेट के साथ ये यहाँ पर शेयर करता है अपनी बाउंड्रीज। अगर हिंदी में बोलूं तो ये 9 अन्य राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, अपनी जो राष्ट्रीय सीमा है वो साझा करता है। तो ये हो गया आपका हरियाणा, हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट में, उत्तराखंड नॉर्थ में, राजस्थान आपका यूपी फ्रॉम द वेस्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साउथ, झारखंड हो गया आपका साउथ ईस्ट, और बिहार हो गया आपका ईस्ट। अब देख लेते हैं इंटरनेशनली, मैंने आपको बता दिया है ये नेपाल के साथ शेयर करता है अपनी बाउंड्री। लैंडलॉक्ड, एक यहाँ पर वर्ड आया है लैंडलॉक्ड, और तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, तो इसके लिए हम चलते हैं आपके इंडिया के मैप में। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ आपके लिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जो स्टेट है वो लैंडलॉक्ड है। बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, ये पूरा इंडिया का मैप है, तो इसमें आप कुछ स्टेट ऐसे देख रहे हैं कि ये जैसे गुजरात हो गई, ये यहाँ पर जो लैंडलॉक नहीं है, यानी कि
ये जो स्टेट है वो अपनी जो बाउंड्री शेयर करता है वो कितने के साथ है, लगभग लगभग आप कह सकते हैं आधा परसेंट अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर कर रहा है, बाकी ये पूरा नदी से घिरा हुआ है। पर लैंडलॉक में क्या होता है कि उसकी जो सारी बाउंड्री आपकी किसी ना किसी स्टेट के साथ लैंडलॉक्ड है, मतलब जकड़ी हुई है एक तरह से कह सकते हैं। और ये जो है उत्तर प्रदेश भी उसमें एक में से है, उत्तर प्रदेश भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी जगह से घिरा हुआ है किसी ना किसी स्टेट से या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर से। तो ये हो गई आपकी लैंडलॉक्ड कंट्री। तो लैंडलॉक्ड कंट्री के बारे में बोला है, इंटरनेशनली यूपी इज लैंडलॉक्ड बाय नेपाल ऑन द नॉर्थ विद एन एरिया ऑफ 29.4 हेक्टेयर। इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, सीधे सीधे सवाल पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट स्टेट में यूपी का क्या नंबर है या फिर यूपी की क्या पोजीशन है, एरिया वाइज फोर्थ है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश आपका मोस्ट पॉपुलस स्टेट भी है, ये भी आपको याद होना चाहिए, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। ये हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ये यहाँ पर हिंदी में पूरा लिखा है, ये आप यहाँ पर स्टडी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या बोला है। जियोमॉर्फिकली यानी कि भौगोलिक दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश को तीन प्रमुख स्थलाकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं मेजर टोपोग्राफिकल रीजन। पहला है आपका शिवालिक, देन है आपका गैंगेटिक, देन है आपका विंध्या। पिछले बार यहाँ पर से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा था कि उत्तर प्रदेश को कितने टोपोग्राफिकल रीजन में डिवाइड किया है, तो आपके ऑप्शन थे 2, 3, 4 या 5, और आपका ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, आपको बिल्कुल यहाँ पर डाई हार्ड आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो पहला देख लेते हैं, पहला है आपका शिवालिक फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज एंड द तराई रीजन बॉर्डर यूपी ऑन द नॉर्थ। देन है आपका गैंगेटिक प्लेन्स कंस्टिट्यूट द मेजर सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेट। पूरा जो मेजर सेंट्रल पोर्शन है वो आपका गैंगेटिक प्लेन से है। पूछा जा सकता है कि जो मेजर पार्ट है टोपोग्राफिकल रीजन उत्तर प्रदेश में वो कौन सा है, तो वो है आपका गैंगेटिक। देन है आपका विंध्या रेंज प्लेटू लाइज इन रिलेटिवली स्मॉलर पार्ट ऑफ साउथर्न यूपी। तो ये आपका हिंदी में लिखा है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं, आगे है आपका इसी में थोड़ा एड ऑन किया है, जो शिवालिक रेंज है फॉर्म द साउथर्न फुटहिल्स ऑफ द हिमालय विच बॉर्डर यूपी ऑन द नॉर्थ, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया था, जिसमें कि जो लोअर लैंड एरिया है वो डिस्पर्स होते हैं मार्शी थिक फॉरेस्ट से। जो थिक फॉरेस्ट होते हैं और जो दलदली इलाके हैं वो बेसिकली शिवालिक रेंज में होते हैं, जिसमें कि जो क्ले की मात्रा है वो बहुत ज्यादा होती है और जो ग्रासलैंड है वो बहुत ही लंबे लंबे आप देख सकते हैं बहाबर ट्रैक में, जिसे आप तराई रीजन कहते हैं। तराई का मतलब भी है कि जो दलदली इलाके हैं वो आप कह सकते हैं तराई रीजन। इसमें जो कंपोस्ट होता है वो फाइन एल्यूवियम प्राइमरी सैंड क्ले सिल्ट और ग्रेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एज द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ भाबर एंड कोर्स थ्रू द रिलेटिवली प्लेनर एरियाज ऑफ तराई द सेडिमेंट आर डिपोजिट इन टू शेलो बेड्स एंड संकन रिवर स्ट्रीम्स ऑफ भाबर री इमर्ज ऑन द सर्फेस कॉजिंग मैसिव फ्लैड। तो ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके लिए विड्थ, यहाँ पर जो चौड़ाई है वो कितनी होगी विड्थ ऑफ भाबर की, वो है आपका 8 से 16 किलोमीटर और तराई की होगी आपकी 15 से 30। आप इसी चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि जो तराई रीजन है वो थोड़ा वाइड है, तो उसी के कारण यहाँ पर फ्लड के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यही चीज आपकी हिंदी में लिखा है कि जो तराई क्षेत्र हैं दलदल घने जंगल जैसे मैंने अभी आपको बताया होते हैं, भाबर पथ के समांतर चलने वाले लंबे घास के मैदान को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो आप यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो गाइज ये थी आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास, ये छोटा सा जो पोर्शन है वो मैंने अभी आपको समझाया, एक तरीके से डेमो क्लास कि कैसे आपका जो पूरा है आपका जो जनरल स्टडीज का पार्ट वो मेरे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत अच्छा लगा होगा। एक काम आप यहाँ पर कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट दिखाइए, जिससे कि हम ये आने वाली वीडियोज भी इसी लगन के साथ बनाते रहें। तो गाइज आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।